Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज इस व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ सिटी फर्नीचर में। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो जो ये आप घर के लिए, ऑफिस के लिए, आप रेस्टोरेंट के लिए ये फर्नीचर आप ले सकते हो बहुत ही कम रेट पर। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे साथ में है वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो यहाँ के ओनर है। गाइज, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जितनी भी यहाँ चेयर्स रखी हैं, जितना भी यहाँ फर्नीचर रखा हुआ है, बहुत ही सही रेट में मिलेगा आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये वाली चेयर है, ये क्या रेट मिलेगी बताओ? 1750 रुपए। ये है 1750 रुपए का चेयर। ओके, इसके बाद ये रेस्टोरेंट के लिए चलेगी चेयर। ये रेस्टोरेंट के मतलब की बिल्कुल चेयर है, सही बात है। ये स्टेनलेस स्टील है, पूरा स्टील है। ओके, ये वाली चेयर कितने की पड़ेगी? 2250। ये 2250 रुपए की है। ऐसे रेट बताना जो कि ऑडियंस को और कहीं ना मिले। सर, मैं अपना बनाता हूँ। हाँ। और 16 गेज का माल बना हुआ है, 18-20 गेज का नहीं है। हाँ। हल्की माल नहीं है, ठीक है, भारी माल है। भारी माल है। ये ऑफिस पर्पज का चेयर है, ठीक है। इसका क्या कीमत रहेगा? 2650 का जी। ये 2650 रुपए का है। ओके, 3050 का जी। ये 3050 का चेयर है। ये वाली आपकी फिक्स में आएगी। हाँ। और इसमें हैंडल भी आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हो हैंडल पूरा है, इसमें हैंडल नहीं है क्या पूरा? अच्छा, इसमें हाफ हैंडल है। टाइप हैंडल है इसमें। हाँ। इसमें क्रोम डिजाइन में आ जाएगी आपको। ये क्रोम डिजाइन है, इसलिए थोड़ा रेट का फर्क है दोनों में। जो नीचे बेस लगा हुआ है, ये भी आपका स्टेनलेस स्टील का होगा। अच्छा, जो बेस है ये भी पूरा स्टील में है। स्टेनलेस स्टील में। ये सिंगल फोम वाली लेंगे ना? हाँ। तो ये आपको अराउंड 25 से आपको बढ़ जाएगी 28 तक के बीच में। अच्छा, और अगर आप डबल फोम की लेंगे। अच्छा, ये डबल फोम है। ओके, इसमें आप ये वाली हैंडल लेते हैं, ठीक है, तो ये 3000 से 3200 के बीच में पड़ जाएगी। अच्छा, ये 3000 के आसपास पड़ेगी। अगर ये छोटी की बात करूँ तो इसका ये 2000 की पड़ेगी। ओके, और इसमें एक और ऊपर जो मॉडल दिख रही है आपको, आपको। अरे वाह यार, ये तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कितने के पड़ेंगे? 1800 से 2000 रुपए। बहुत बढ़िया। रेस्टोरेंट में आपको मिलेगी लेजर कटिंग। आपको पड़ जाएगी 1850 की, काफी हैवी में, हैवी आइटम है, 10-20 साल कहीं नहीं जाएगी। अरे भाई साहब, इसमें तो बहुत वजन है यार, सही में। ये 1800 की है ये चेयर? 1850 की सिंगल पीस। सिंगल पीस है। और आपको इसमें हल्की भी चाहिए, हल्की भी मिल जाएगी। इतनी भी हल्की नहीं है कि आपकी काम ना बने, लेकिन ये 5 साल आराम से बीत जाएगी आपकी, ठीक है। ये कितने आपको? 1250 की पड़ेगी। ये 1250 की पड़ेगी। ओके, लेकिन मजबूत यार यही है, मजबूत पहले वाले। हाँ, मजबूती है। वुडन सीटिंग में है ये। ये कितने की पड़ेगी? ये वाली आपको, ये भी सेम रेट हो जाएगी आपकी, हैवी में। ये भी हैवी में। इसमें आप हल्की लेंगे। हाँ। तो ये हल्की में पड़ेगी 1650 की। अच्छा, अगर इसका हल्का लेते हैं तो 1650। हाँ जी। और यही लेते हो तो 1850। ओके, भारी में ये वाली आपको 1600 की पड़ेगी। ये 1600 की है। ओके, 1250 की पड़ेगी। ये 1250 में। ओके, डिजाइन आप। हाँ, ये रेस्टोरेंट पर्पज से है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है इसमें। आप कलर भी चेंज करा सकते हैं गद्दियों का। अच्छा, अपने हिसाब से है, ठीक है। ये जो नेट चेयर होती है, नेट चेयर में भी हमारे पास काफी सारी वैरायटी हो जाएगी। इस ये वाली आपको पुश बैक में मिल जाएगी, 2500 की होगी। ये 2500 की है। ओके, 2200 की हो जाएगी। ये वाली जो है वो 2200 सेंटर टिल्ट में। अच्छा, और इस तरह की चेयर अगर ऑफिस चेयर की बात करें, ये वाली पीछे वाली हैंडल भी अच्छे हैं। क्या रेट है आपको? 4000 की पड़ेगी। तो ये वाली 4000 की पड़ेगी, और वो उधर वाली। और इसी में आप अगर एल प्लाई में, सिंगल सिंगल प्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है, तक नीचे तक सिंगल प्लाई में आएगी, ठीक है। ये वाली 4500 की हो जाएगी आप। ये 4500 की पड़ेगी। ओके, व्हील भी बढ़िया लगे हुए हैं और हैंडल भी बढ़िया। व्हील अच्छे हैं ना? हाँ। तो व्हील खराब नहीं होते इसमें? कितने कुछ गारंटी वारंटी होती है इनकी? व्हील तो ये चलने को 5 साल भी आराम से चलेंगे, और वो वाले ब्लैक वाले 1.5 साल तक, 1.5 से 2 साल की लाइफ होती है। अगर मान लो उससे पहले खराब होते हैं तो? उससे पहले खराब होंगे तो चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे, ठीक है। और इस तरह की चेयर ये कितने की पड़ेगी? ये वाली आपको 1850 की पड़ जाएगी। ये 1850 की पड़ेगी। ओके, ये वाली 3200 की है। ये 3200 की है। ओके, दोनों के सेम रेट है? दोनों के अलग अलग रेट हैं। ये कितने की? आपको नीचे गोल्ड के, गोल्ड कलर में कौन नीचे लगे हुए मिल जाते हैं, लुक अच्छी हो जाती है। हाँ। और हैंडल भी है, और इसकी बैक सपोर्ट भी उससे बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये कितने की? आपको 3400 की पड़ेगी। ये 3400 रुपए की है और ये 3200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए का डिफरेंस है बस। है हमारे पास काफी सारी कलर अवेलेबल है, जिसमें आप कहेंगे। अच्छा, जिस कलर में आप जाते हो उसमें आप बना दोगे। ये रेड वाली चेयर बता दो, वो जो उठाई आपने।
ये कितने की? 2000 रुपया। 2000 रुपए की। अच्छा ये कपड़ा है, ठीक है, बढ़िया है, मतलब स्वेटिंग नहीं आएगी ना? हाँ, ये आपको 4500 की पड़ेगी, अलॉय व्हील में और साइड में हैंडल आप देखिए क्रोम है, ठीक है। ये टेबल कितने की पड़ेगी? कंप्यूटर टेबल है ये वाली, 3200 की पड़ेगी। ये 3200 रुपए की टेबल है, ये 3x2 की साइज हो जाएगी आपकी। कितना साइज है? 3x2। 3x2, 3x2 है और इसमें दो ड्रॉर हैं, ठीक है, बढ़िया। ये टेबल कितने की है बड़ी वाली? ये वाली 3700 की है। अच्छा ऊपर वाली 3200 की है, नीचे वाली 3700 की है, तो बड़े में फायदा है, 500 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ। अच्छा गाइस आप आ जाते हैं हम ऑफिस चेयर की तरफ। यहाँ पे जितनी भी आप चेयर देख रहे हो ना, सारी ऑफिस चेयर है। आप एक छोर से दूसरे छोर तक देखोगे सारी ऑफिस चेयर है, बस इनकी क्या है क्वालिटी डिफरेंट मिलेगी, है ना भाई? ऐसा ही है, एक बार थोड़ा सा आइडिया देते चले जाओ कि ये चेयर इतने की। डबल प्लाई की आप चेयर लेंगे तो इसमें हमारे पास 4500 से 6000 तक की है। अच्छा, ठीक है। और अगर डबल प्लाई की लेंगे तो ये 4000 की पड़ जाएगी। तो ये डबल प्लाई में मतलब, इसका डबल प्लाई का मतलब क्या होता है भाई? डबल प्लाई में जो सिंगल प्लाई की है ना आपकी, पूरी एक ही प्लाई है, ये आगे सीट और ये एक ही है। अच्छा, ये एक ही प्लाई है, ये वाली यहाँ से जोड़ी जाती है। अच्छा अच्छा, उसको डबल प्लाई बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डबल सीट भी है, ये डबल गद्दा भी है क्या? ये डबल फोमिंग में। अच्छा, ये भी 4000 की रेंज की है। अच्छा, ये भी 4000 की रेंज की है। ओके, तो ये डबल वाले जितनी भी है सब 4000 के, आप 4000 4200, हाँ ठीक है। आप कलर और एक्सचेंज चेंज कराएंगे तो उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होगी। और इनमें कुछ खराब होने का तो नहीं है ऐसा कि? नहीं, ऐसे कोई खराब होने का कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है कि मान लो जैक खराब हो गया या फिर टायर खराब हो गए, ऐसा है क्या? हम वारंटी वाला हाइड्रोलिक जैक सब यूज करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया। तो इनमें सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ, अगर आप कहो कि भाई ये चेयर तो खराब ही नहीं होगी, आप सब बेस्ट क्वालिटी की है, कौन सी चेयर है बताओ? ये वाली चेयर, ओके, ये वाली काफी बढ़िया चेयर है, इसमें खराबी नहीं आएगी। ये वाली आपको हैंडल क्रोम में मिल जाएगी, ठीक नीचे है, व्हील अलॉय व्हील मिल जाएंगे, नीचे भी अलॉय है, हाँ ठीक है, बाकी कुशनिंग भी बढ़िया मिल जाएगी आपको इसमें। अच्छा, कंफर्ट भी बढ़िया मिलेगा। हाँ अच्छा है। ये कितने की पड़ेगी, इसका रेट और बताओ? ये वाली 6500 की है। ये 6500 की है, ओके। इसमें एक बार इसके बारे में बात कर ले क्या कुछ, ये क्योंकि अलग ही चेयर दिख रही है मुझे। ये आपकी रिक्लाइनिंग में आती है। अच्छा, आप इसमें लेट सकते हैं। अच्छा, इसमें लेट भी सकते हैं, एक बार दिखाना। हाँ, साइड में आपके हैंडल आएंगे, दिखाओ। अच्छा, इस हैंडल को आप ऐसे पुश करके, ठीक है, इसे पूरा लेट सकते हैं। अरे वाह, वैसे ही इधर की तरफ करके आगे सीट ला सकते हैं। अच्छा, वो लॉक है? जहाँ पर छोड़ देंगे वहीं पर चेयर रुक जाएगी। बहुत ही बढ़िया यार, ये वाली चेयर का कीमत बताओ, ये कितने की पड़ेगी चेयर? ये वाली आपको पड़ जाएगी 11000 की। 11000 रुपए की चेयर है ये? यार तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे हैं। डिस्काउंट करके कितने के पड़ जाएगा? डिस्काउंट करके देखिए, खुद ही बनाते हैं, इतने ज्यादा मार्जिन तो रखते नहीं, लेकिन आपके लिए हम 10500 कर देंगे। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ तो डिस्काउंट करोगे ना? 10500। बहुत बढ़िया यार, ये पहले वाली चेयर 3000 की है, ओके। और ये वाली जो आप बैग देख रहे हैं, ये आपको मेटल फ्रेमिंग में बैग बनाई गई है, ये 3200 की। ये वाली चेयर 3200 की है, ओके। इसकी लुक भी काफी अच्छी लग रही है, डिफरेंट है। और हाँ, उतार के दिखा दो ऊपर। ये वाली चेयर का क्या कीमत है भाई? ये वाली आपको 3250 की है। ये 3250 की है और वो 3200 रुपए की है, ठीक है, 50 रुपए का डिफरेंस है। और लेकिन आप कपड़ा अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं, इससे बढ़िया क्वालिटी का भी लगवा सकते हैं। और ये रेड वाली चेयर कैसे है भाई? ये छोटी चेयर लग रही है मुझे, बहुत अच्छी चेयर लग रही है। ये कितने की है? ये वाली ऊपर से टॉप इसकी प्लास्टिक में आएगी, कुशन लगी हुई है, ठीक है, और नीचे जो फ्रेम है इसका मेटल में है। ये मेटल में है, ये पैर छूटने का दिक्कत भी नहीं है इसका। ये वाली हल्की भी है ना चेयर? हल्की भी है। ये वाली आपको पड़ जाएगी 1150 की। अच्छा, ये 1150 की चेयर है, ओके। ये कितने की है भाई? ये वाली आपकी पड़ेगी 3000 की। ये 3000 की चेयर है गाइस, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल रखे हुए हैं यार यहाँ पे ना, मतलब डिजाइन एक से एक है। अच्छा, ये है प्लास्टिक चेयर, ओके। बैक भी आपकी सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये बैंड हो जाती है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ये कितने की पड़ेगी? ये वाली आपको पड़ जाएगी 1200 की। ये 1200 रुपए की चेयर है, ओके। ये नीचे क्या अगर पाए की बात करो, ये भी प्लास्टिक में है? ये भी प्लास्टिक में है, टूटेंगे तो नहीं ना? टूटेंगे। अच्छा, स्टूल कितने के पड़ेंगे? ओके, ये वाली आपको क्रोम में मिल जाएगी। ये क्रोम में है और ये है अपना वुडन में, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? बस ऊपर की टॉप का डिफरेंस है। टॉप का डिफरेंस है, सरिये में है तो आपको टूटने की कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ, तो भाई इनकी कीमत की बात कर लें, ये कितने की पड़ेगी और ये कितने की पड़ेगी? ये आपके कस्टमर के लिए 450 रुपये। 450 रुपये की है? अरे वाह यार। और ये वाली चेयर की बात कर ले तो ये जो है ये भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में।
ये वाली चेयर मिल जाएगी आपको 1350 की। ये 1350 की है। इसमें नीचे जो गैस स्लिप है ये भी आपको क्रोम में मिलेगी। बैग भी क्रोम में, बहुत बढ़िया। और ये टेबल रखी हुई है भाई, इन टेबल की बात और कर लेते हैं। ये जो रखी हुई सामने, ये कितने की है? रेस्टोरेंट टाइप में। हाँ, रेस्टोरेंट टाइप टेबल है। कितने की पड़ेगी सर? 3050। ये 3050 का पड़ेगा। ओके, और नीचे वाली ये जो है, ये रेड में जो है, ये पड़ेगा 3550 में। ये SS वाला कितने का पड़ेगा? 2000 की पड़ जाएगी आपको, 2x2 की साइज में आएगी। तो ये वाली टेबल जो है वो पड़ेगी 2000 रुपए की ना। इसका साइज बताना एक बारी, 2x2 में। अच्छा, एक चीज मुझे जानना था, ये जो आप स्टील यूज कर रहे हो वो किस क्वालिटी का यूज कर रहे हो? कभी ऐसा तो नहीं 202 ग्रेड में? 202 फर्नीचर में 202 यूज होता है, मतलब कोई शिकायत तो नहीं आएगी? अगर मान लो कोई जो ऑडियंस देख रही है वीडियो, वो लेना चाहे तो पहली चीज कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, नहीं। जो भी जितना भी फर्नीचर कहीं भी बनती है 202 ग्रेड में ही बनती है। ठीक है, ऑडियंस को कुछ आप मैसेज देना चाहते हो कि आपके पास ही क्यों आए? देखो, फर्नीचर की शॉप ना हर जगह, हर गली में है, ठीक है जी। लेकिन मैं आपसे स्पेशली ये पूछ रहा हूँ कि आप ऑडियंस को ऐसा क्या बता रहे हो, आप कौन सा ऐसा आइटम दे रहे हो जो आपके पास है? कि मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। मैं फर्नीचर करते हुए 33 साल हो गया है, ठीक है। मैं अपने तसल्ली का माल लगाता हूँ। जब हमें अपने आप को अपने फर्नीचर पे तसल्ली बनाने में तसल्ली है तो कस्टमर को हम तसल्ली करा सकते हैं। बिल्कुल, जब हम बाहर से लेते हैं, किसी और का बनाया हुआ लेते हैं, ठीक है, पता ना उसके अंदर मटेरियल कैसा डालता है। करेक्ट, ये करेक्ट, तो हमें पता नहीं है। करेक्ट, जब हम अपनी बनाते हैं तो अपने हिसाब से मटेरियल लगाते हैं ताकि जो भी कस्टमर पैसा लगाता है वो सही से यूज कर पाए। बहुत बढ़िया, तो आप मतलब गारंटी वारंटी दोगे ना? एक साल की गारंटी होती है, ठीक है। तो एक साल की गारंटी होती है लेकिन 5-10 साल कहीं नहीं जाता। तो गाइस, ये था सिटी फर्नीचर का ब्लॉग। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह की चेयर है, आप ऑफिस चेयर ले लो, आप घर के लिए चेयर ले लो, रेस्टोरेंट के लिए चेयर ले लो, ठीक है। ये लोकेशन पड़ेगी झंडे वाला में, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो एक बार एड्रेस पूरा, और सर का नंबर है, ठीक है। तो गाइस, कैसा लगा ब्लॉग एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ऐसे ही वीडियो देखते रहें, मुस्कुराते रहें, तहलका मचाते रहें, ठीक है। टिल देन बाय। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.